हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स एजुटेक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक फ्रॉम प्लस टू बिजनेस स्टडीज एंड द टॉपिक इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट की हुंदा है, इज़ द मीनिंग, इज़ द फीचर्स, इज़ द इम्पॉर्टेंट डिस्कस करनी है अपा। सो लेट्स स्टार्ट आर वीडियो। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट कर दें आप। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स, पर्सन्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, रूल्स, पॉलिसीज, लॉज एटसेट्रा विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट हैव मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट ऑन इट्स एग्जिस्टेंस, वर्किंग एंड सक्सेस। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट की है, असी अगर अपनी लाइफ की गल करिए साड़ी लाइफ के उपर कि एनवायरनमेंट जो है साड़ी लाइफ नू डायरैक्टली ते इनडायरैक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, जिवें गवर्नमेंट दी पॉलिसियां सानू डायरैक्टली नहीं इफेक्ट कर दियां, मेरे लिए तो नहीं बनिया, ओवरऑल सारी पॉपुलेशन लिए बनिया, लेकिन वो इनडायरैक्टली मैनू भी हिट कर दियां। ठीक है, लेकिन कई चीज़ा डायरैक्टली ही मैनू इफेक्ट कर दियां, तां वो दोनों तरीके नाल जो भी चीज़ा उसनू असी की बोलते हैं, इनवायरमेंट। हुण कुछ चीज़ा साडे कंट्रोल च हुंदियां, कुछ चीज़ा साडे कंट्रोल तो बाहर हुंदियां। सो असी बिजनेस दे लई किहड़े इनवायरमेंट नू डिस्कस करना। बिजनेस इनवायरमेंट रेफरस टू एग्रीगेट, मतलब सम ऑफ, इकट्ठा किस चीज़ का समूह है, दोज फोर्सेस, फैक्टर्स, पर्सनस, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, रूल्स, पॉलिसीज, लॉज विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट हैव मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस, वर्किंग एंड इट्स सक्सैस। कि जड़ियाँ चीज़ा बिजनेस की वर्किंग, सक्सैस और यदि एग्जिस्टेंस नू इफेक्ट कर दी हैं, मल्टी डायमेंशनल मतलब कई तरीके दे नाल जो सानू इफेक्ट कर दी हैं, उस नू असी बिजनेस एनवायरनमेंट कह दिंदे आ। और इहदा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की है कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज है, इस नू असी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये मीनिंग है बिजनेस एनवायरनमेंट का। हुण जिवें एक छोटी जिही आपां एग्जाम्पल लईए कि कोई नवी गवर्नमेंट आती है, और नवी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी, वह बिजनेस के हित दे विच होगी कि वो तो बाहर होगी, या बिजनेस नू बैड इफेक्ट करके जाऊगी, या बिजनेस लिए नवी ऑपरचुनिटीज लेके आऊगी। ठीक है, सो इस करके वो साडे लिए की है, इनवायरमेंट का एक पार्ट है। सो लैट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ये कि फीचर्स होंगे। फर्स्ट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सटरनल फैक्टर्स। कि बिजनेस एनवायरमेंट असी किसनों कहा, जो कि सम ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सटरनल फैक्टर्स, इंटरनल इस नहीं असी लेंदे क्योंकि इंटरनल आर विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, ओनली एक्सटरनल फैक्टर्स है जो कि साडे कंट्रोल तो बाहर है, असी सिर्फ उन्होंने ही इस अंदर स्टडी करना है। सो ये की है, एग्रीगेट है सारे एक्सटरनल फैक्टर्स का जो कि साडे कंट्रोल तो बाहर होणगे, जिस च कंज्यूमर आ जाता है, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, उसकी इनकम, गवर्नमेंट दी पॉलिसियां। ठीक है, बाकी भी सर्दी गर्मी दे जो इनवायरमेंट चलता है वो एज इट इज़ है, वो सारा कुछ ये अंदर आऊगा। जो इसकी डायमेंशनस पढ़ा आप सब कुछ ये अंदर डिस्कस करा। नैक्सट पॉइंट है मिक्सचर ऑफ स्पैसीफिक एंड जनरल फैक्टर्स। स्पैसीफिक फैक्टर्स केड़े होणगे, जिहड़े कि डायरैक्टली रिलेटड टू द बिजनेस होणगे। जनरल फैक्टर केड़े होणगे, जिहड़े कि बिजनेस नाल डायरैक्टली रिलेट नहीं करते लेकिन इनडायरैक्टली बिजनेस की वर्किंग नू इफेक्ट जरूर करते हैं। हुण डायरैक्ट केड़ा आ गया, जिहड़ा लॉ स्पैशल मेरे बिजनेस लिए बनया, मतलब मेरे काइंड ऑफ बिजनेस लिए बनया। अगर सपोज करो मैं कोई कपड़ा इंडस्ट्री लगा रहा हाँ, और गवर्नमेंट ने कोई स्पैशल कपड़ा बिजनेस के लिए ही कोई नवा रूल अप्लाई कर दिता, तो वह डायरैक्टली मैनू इफेक्ट करेगा। इनडायरैक्ट की है कि GST आया, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दते, जिदे करके की है लोगों की भी इनकम घटी, जिमें कि डीमोनीटाइजेशन होया, गुड एग्जाम्पल, डीमोनीटाइजेशन हुई जिस दे नाल लोगों की इनकम घटी, और इनडायरैक्ट इफेक्ट किस दे उपर आया, बिजनेस से, क्योंकि लोगों की जो स्पेंडिंग हैबिट सी वो इफेक्ट हुई। सो वो इनडायरैक्ट है। ठीक है, जो कि इनडायरैक्टली बिजनेस की वर्किंग नू इफेक्ट करके जाता है। सो इस करके की बोलिया जाता है कि ये कुछ ये अंदर कुछ स्पैसीफिक भी होणगे ते कुछ जनरल फैक्टर्स भी होणगे, दोनों का मिक्सचर ही इनवायरमेंट कहलाउंदा। और ये की हुंदे आ, इंटरडिपेंडेंस हुंदे आ, मतलब कि देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स।
ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇੰਟਰਲੇਟਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨਕਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇ ਅਫੈਕਟ ਅਪੋਨ ਆਰ ਸੇਲ। ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਹੁਣ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਫਲਕਚੁਏਟ। ਅਤੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਕੀਪ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਟੇਸਟ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਹੈਬਿਟ, ਡਿਮਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਰਟਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰਟਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆਰ ਅਨਸਰਟਨ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਪ੍ਰਡਿਕਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਉਹਦੀ ਟੇਸਟ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੇਰ ਆਰ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਵਰਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੈਲੇਟਿਵਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਮੇ ਡਿਫਰ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨ, ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸਕੋਪ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ, ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਟੇਸਟ ਜੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ, ਰੈਲੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਥ੍ਰੈਟਸ, ਔਰ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੈਲੇਂਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੇਲ ਡਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਡਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੋਕੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨੋਕੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬੈਸਟ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੈਲੇਂਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਇਟ ਮੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਮੇ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਇਟ, ਮੇ ਕੋਸਟ ਟੂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਸ, ਔਰ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ।
अगर असी इस दी स्टडी करते हैं तो फस्ट मूवर टेक एडवांटेज, जो बंदा फस्ट मूव ले जाएगा वही फायदा उठाएगा। फिर वही चीज़ कि सैमसंग कंपनी ने अडोप्ट किया सी एंड्रॉयड सिस्टम नू सब तो पहला, तो जो फस्ट मूव करया उसनू उसकी एडवांटेज मिली। वन हु अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरमेंट एंड मेक प्लान्स अकॉर्डिंगली टेक ह्यूज एडवांटेज दैन अदर, उसनू ही एडवांटेज मिलती है, वही इस तो फायदा उठा के जाता है। नैक्सट पॉइंट है अपना हैल्पफुल टू एवेल्यूएट बिजनेस ट्रेंड्स। अगर असी गल करिए कि बिजनेस ट्रेंड नू एवेल्यूएट करना है तद इहदी स्टडी साडे लई बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। विद द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट मैनेजर कैन एवेल्यूएट द बिजनेस ट्रेंड विच कैन हैल्प दैम टू मेक फ्यूचर प्लैनिंग। ट्रेंड किधर जा रहा, लोगों की डिमांड पैटर्न की बन रहा है, अगर असी बिजनेस एनवायरमेंट नू प्रॉपरली स्टडी करते हैं तो इहदे नाल असी अपने फ्यूचर प्रोडक्ट ओदियां चेंजेस ओदे डायमेंशनस के बारे एडवांस प्लैनिंग कर सकते हैं। सो इस करके ट्रेंड का पता लग जाता है इस दे नाल अगर असी इसनू स्टडी करते हैं। यूजफुल इन प्लैनिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, देखो सेम पॉइंट रिपीट हो जाते हैं बार बार, सिर्फ की है लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज होंगी है। बिजनेस एनवायरमेंट प्रोवाइड डिटेल्ड इनफॉर्मेशन अबाउट द ओपरचुनिटीज एंड चैलेंजेस। सानू एडवांस पता लग जाता कि साढ़े अगे ओपरचुनिटी की आएगी, साढ़े अगे चैलेंज की आ रहा। दिस इनफॉर्मेशन इज़ वेरी हैल्पफुल फॉर मेकिंग फ्यूचर प्लैनस एंड पॉलिसीज, कि असी की पॉलिसी बनानी है, प्राइस पॉलिसी की रखनी है, क्रेडिट पॉलिसी रखिए ना रखिए, किस तरह का सिस्टम आने वाला है। देखो डीमोनीटाइजेशन आई तो जड़ी जड़ी ऑर्गनाइजेशन ने क्रेडिट पॉलिसी रखी वो डुब गई, क्योंकि काफ़ी टाइम तक लोगों को पैसा नहीं आया तो उन्हों का क्रेडिट वापस नहीं आया। लेकिन क्या असी प्रोडक्शन बंद कर देंगे? नहीं कर सकते। सो बिजनेस एनवायरमेंट की स्टडी करांगे एडवांस के असी पॉलिसीज डिसाइड करन च हेल्प हो जाती है साड़ी, जो साडे बिजनेस नू चलाउण च साड़ी हेल्प करदी है। नैक्सट पॉइंट यूजफुल फॉर मैनेजर्स, तो मैनेजर्स नू इहदी की जरूरत है? सक्सैस ऑफ मैनेजर्स इज डिपेंड्स अपॉन देयर नॉलेज अबाउट द बिजनेस एनवायरमेंट विच हैल्प दैम फॉर परफॉर्मिंग देयर वेरियस मैनेजीरियल फंक्शंस। एक अच्छा मैनेजर कौन है? जो बिजनेस एनवायरमेंट नू चंगी तरह स्टडी करे और उहदे अकॉर्डिंग जो है मूव कर जे, अपने आप नू डिसीजन च ले जे। सो ओही एक अच्छा मैनेजर होएगा। सो ओदी सक्सैस किस चीज़ के उपर डिपेंड करती है कि वह बिजनेस एनवायरमेंट की किन्नी नॉलेज रखता है और उनू समझन तो बाद अपने जो फैसले है वह किवें लैंदा है और अपने जिन्ने भी वो फंक्शनस है मैनेजीरियल फंक्शनस ने उन्होंने परफॉर्म किवें करता है। सो ये सारा चीज़ डिपेंड करूगा इसते। नैक्सट पॉइंट है हैल्पफुल इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस? ओवरऑल बिजनेस की परफॉर्मेंस, मैनेजर्स की परफॉर्मेंस, दोनों। नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स द बिजनेस टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस एंड अडोप्टिंग द प्रेजेंट ऑपरचुनिटीज। कि सानू ये पता लगेगा कि साढ़े लिए केड़े केड़े चैलेंजेस आ रहे हैं और साढ़े लिए अज के टाइम के ऑपरचुनिटीज़ ने। एग्जाम्पल ले लीए तो न्यू टेक्नोलॉजी का सानू इस तो पता लगता है और असी की करते हैं उस टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करते हैं, अपने प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट करते हैं, जिस दे नाल की होगा साड़ी परफॉर्मेंस जो है हौली हौली इंप्रूव कर जाती है। सो यदी स्टडी साड़ी अपनी परफॉर्मेंस नू इंप्रूव करन दे विच भी हैल्प करती है। नैक्सट पॉइंट डिटरमीनेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रैटजीज। देखो स्ट्रैटजीज की है, रणनीति बनानी पैंदी है सानू। रणनीति की हुंदी है? कि असी अपने जो कॉम्पीटिटर्स है उन्हों तो एक कदम अगे रहना, उन्हों तो एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है मार्केट च, सेल प्राइस उन्हों दे बराबर रखना या उस तो घट रखना या उस तो ज़्यादा रखना, ता भी असी कस्टमर नू अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए। ऐसिया क्या क्या चेंजेस असी अपने प्रोडक्ट दे विच करिए, सारा कुछ कितों पता लगेगा? ये पता लगेगा बाय द नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, जो कि हेल्प करता है टू चैक आउट द स्ट्रैटेजीज रिगार्डिंग द सेल, सेल दे नाल ऑफर्स की रखने आपां, प्राइस डिटरमिनेशन जड़ी है अपने प्रोडक्ट दी असी ओ किन्नी क रखनी है, किस तरह की होनी चाहिए है। सो इस करके जो साड़ी स्ट्रैटेजी है उनू डिसाइड करन दे लई जो बिजनेस एनवायरमेंट की स्टडी है वह बहुत जरूरी है। नैक्सट है हेल्पफुल टू प्रमोट रिसर्च एंड डिवेलपमेंट। देखो रिसर्च क्यों करनी है, असी क्यों करते हैं रिसर्च, डिवेलपमेंट असी क्यों लेके आने अपने बिजनेस,
क्योंकि आप एक लाइन नू जानते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। मतलब कि असी अपने आप नू कॉम्पीटिटर्स तो अगे रखना तो उदे लई की करना पऊगा, अपने प्रोडक्ट नू उना तो कुछ ज़्यादा एडवांसमेंट देनी पऊगी, नवीं नवीं टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी पैणगी अपने प्रोडक्ट दे विच। ओनली दैट बिजनेस कैन सर्वाइव इन द मार्केट विच अडोप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी इन देयर प्रोडक्ट। सो नॉलेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नीक हेल्पफुल फॉर द बिजनेस इन दिस एरिया। ये सानू नवी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उन्होंने समझण की, उन्होंने अडोप्ट करन दी और नवी नवी चीज़ों खोजण की, रिसर्च करन दी और अपने प्रोडक्ट अपने मैथड्स के डिवेलपमेंट लैके आने की। नैक्सट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। हुण देखो एज वी नो दैट ऑल द रिसोर्स नीडड फॉर द प्रोडक्शन आर स्केयर। मतलब कि ये जिहड़े सारे दे सारे रिसोर्स जिन्हों असी यूज़ करते हैं अपने बिजनेस की प्रोडक्शन करन दे लई, वो दुर्लभ है, वो इन्ने ज़्यादा नहीं है कि असी उहदी वेस्टेज भी करी जाइए और फिर भी असी जिंदगी भर बिजनेस करी जावांगे। नहीं, वो रिसोर्स लगातार खत्म हो रहे हैं। सो प्रॉपर नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, कि सानू उस एनवायरमेंट के बारे पता होना चाहिए कि वो रिसोर्स जिहड़े खत्म हो रहे हैं और फ्यूचर दे विच अगर असी इहदी सही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना कीती तां इह रिसोर्स इन्ने कॉस्टली हो जाएंगे कि साडे लई बिजनेस करना पॉसीबल ही नहीं होएगा, क्योंकि प्रोडक्ट इन्ना ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा कि कंज्यूमर दे लई वो बाय करना इन्ना ज़्यादा पॉसीबल नहीं होएगा। सो इस करके बिजनेस एनवायरमेंट की प्रॉपर स्टडी हेल्प करती है साडे लई टू यूटिलाइजेशन रिसोर्स प्रॉपरली, कि जो रिसोर्स ने साडे कोल अवेलेबल उन्होंने असी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। नैक्सट पॉइंट है वार्निंग सिग्नल फॉर क्राइसिस। देखो क्राइसिस आने वाले आ मार्केट दे विच, मतलब कि मार्केट डाउन होने वाला है। कोरोना वायरस चल रहा है, इहदे नाल मार्केट सारा डाउन हो गया, डीमोनेटाइजेशन आई मार्केट डाउन हो गया, GST इंट्रोड्यूस किया मार्केट डाउन हो गया। तो इहदा मतलब कि अगर असी बिजनेस एनवायरमेंट नूं प्रॉपरली स्टडी करते हैं, एडवांस स्टडी करते हैं, तो इहदे नाल की हुंदा, सानूं एडवांस इनफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द अपकमिंग मार्केट क्राइसिस, के मार्केट डिगण वाला है, डिमांड डिगण वाली है, प्राइसिस हाइक होने वाले आ, लाइक फॉल इन डिमांड, चेंज इन ट्रेंड, ये सारा कुछ सानू एडवांस च पता लग जाता है, विच मे हेल्पफुल फॉर मेकिंग द फ्यूचर प्लैनस अकॉर्डिंगली। ये नाल की आ साडे फ्यूचर प्लैन अकॉर्डिंगली बनाउण च सानू हेल्प मिलती है। लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन अचीविंग सोशल गोल्स। देखो सोसाइटी बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटैग्रल पार्ट है, अलग नहीं कर सकते इसनू। सोशल फैक्टर्स आर वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। सोशल फैक्टर कड़े कड़े होंगे, लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, उन्होंने कल्चर, ये सारा कुछ बिजनेस के उपर इफेक्ट पाँगा, वो सेल, वो प्रोडक्शन, वो प्रोडक्ट के उपर हेल जोड़ा इफेक्ट करता है। सो द नॉलेज ऑफ सोशल एनवायरमेंट हेल्पफुल टू फुलफिल द सोशल ऑबलीगेशन ऑन टाइम। अगर असी चंगी तरह इन्हों की स्टडी करते हैं तो असी लोगों की वो जरूरत, उन्हों की वो डिमांड, वो सोच जो उस प्रोडक्ट के प्रति है, असी उसनू पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इस करके बिजनेस एनवायरमेंट नू जो स्टडी नहीं करता अल्टीमेटली उहदी सर्वाइवल खतरे च आ जाती है बिजनेस की। इस करके बिजनेस एनवायरमेंट नू स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये अपना अज दा टॉपिक सी, बिजनेस एनवायरमेंट की हुंदा है, बिजनेस एनवायरमेंट दे कड़े कड़े फीचर्स हुंदे आ, अगर असी बिजनेस एनवायरमेंट नू अच्छी तरह स्टडी करते हैं तो उसकी की इंपॉर्टेंस हुंदी है। ठीक है, टॉपिक समझ आया कि नहीं आया इस दे बारे तुसी कमेंट्स करके मैनू जरूर दस्यो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग, सबसक्राइब एंड शेयर द चैनल, और एक इस दे विच जो बैल आइकन है उसनू जरूर दबा दिओ, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी उस दे बारे थोनू उस दे नाल पता चल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।